ए हा बर्रे भाजी है, ए हा कांदा भाजी है, मुनगा भाजी है, सुन सुनिया भाजी है, बुहार भाजी है। मैं आज आप सब मन ला छत्तीसगढ़ के भाजी के बारे में बताता हूँ। ये सब जो भाजी है छत्तीसगढ़ के बाहर जहाँ नहीं मिले, छत्तीसगढ़ में हवा मिल ही बहुत अच्छा तरीके से स्वादिष्ट रूप में बन के मिल ही। अलग अलग सीजन के अलग अलग भाजी, गर्मी में चेंज भाजी खा लेवा, ठंडी है रोपा भाजी खा लेवा, लाल भाजी तो सदा बहार है, सर्दी हो है सरसों भाजी खा लेवा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के भाजी हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते। भाजी मजाक की चीज नो है, एमा 100% फाइबर होते। फाइबर के फायदा आप मन ला पता ही हुई, जितना जिम जाए वाला मन ला अलग से फाइबर खाना पड़ते, ओकर वो मन सलाद खाते, हमारे यहाँ पके पकाए भाजी मिलते बोला खा लिया फाइबर के काम, पूरा पेट साफ सुबह सुबह, समझ में आई। एक बात, आयरन पोटेशियम बॉडी ला जितना टाइप के भी न्यूट्रिशन चाहिए ये भाजी प्रदान करते। छत्तीसगढ़ में रहा था दिन भर के खाना में एक ठा भाजी नहीं है, मतलब नहीं है छत्तीसगढ़ में रह के खाए के। आजे बाजार जावा तो किस्म किस्म के भाजी मार्केट में मिला थे, ले के आवा बनाए बस सीखा और खावा। हमार छत्तीसगढ़ के ये सबसे सुनहरा समझ लेवा, हरा सोना हरा, बहुत ही सुंदर हरा हरा सोन बराबर चीज़ ये भाजी मन आपके रोज के थाली में होना ही चाहिए। ठीक है, हमार खाद्य संस्कृति है यहाँ, तो ऐसे ही अलग अलग और संस्कृति के बारे में परिचय देते रहो। नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान, और आज के हमन करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, अब लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। ठीक, तो आज का जो करंट अफेयर है इसमें सबसे पहला है आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। फ़ायदे की चीज़ ये है कि CGPSC अब अपना ऐप लॉन्च करने जा रहा है, और इस ऐप जो भी ऐप लॉन्च होने वाला है इसी ऐप की हेल्प से आप फॉर्म भी भर पाएंगे। फॉर्म भरने के साथ साथ आप और क्या कर पाएंगे, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आपको रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट के समय पे एक दिक्कत आती है कि कभी कभी वेबसाइट पे सर्वर डाउन हो जाता है और आप अपना रिज़ल्ट देख नहीं पाते, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सर्वर डाउन होने पे भी अब एप्लीकेशन चलेगा, नोटिफिकेशन आसानी से आएंगे, और आप वेबसाइट के जगह मोबाइल ऐप में अपना फॉर्म भर पाएंगे जहाँ पे पहले सी चीज़ें फीड रहेंगी। जो पर्टिकुलर एक आध एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उन डेटास को आपको भरेंगे और आपका फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें 2 QR कोड रहेंगे ऐसा इसमें बताया गया है। बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। हमारे CGPSC के जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा, उन्होंने कहा कि आयोग की परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। AI सिस्टम से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि UPSC की तरह CGPSC भी मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। CGPSC धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये एक जनरल न्यूज़ था, आप सभी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में है, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। हो सकता है इस साल आप CGPSC का जो पेपर का फॉर्म भरेंगे वो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ही भरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है श्रीमती प्रीति सूदन जी। अभी सुनील सोनी जी जो थे वो UPSC के अध्यक्ष थे, अब उनका स्थान श्रीमती प्रीति सूदन जी लेंगी। ठीक है, UPSC आपने भारत के संविधान को अगर पढ़ेंगे तो उसमें संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे, तो संवैधानिक निकाय होता है और एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। जो संवैधानिक निकाय है वो क्या चीज़ें होती है और गैर संवैधानिक निकाय वो कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आज के स्टैटिक पार्ट में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये संविधान का पोर्शन है, संविधान में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो UPSC है यानी संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और इसको डिस्कस करते हुए फिर हम आगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पर चलेंगे। तो क्या होती है संवैधानिक संस्था? अच्छा, प्रीति सूदन जी का जो नाम है वो करंट अफेयर के लिए एक फैक्ट के तरह भी यूज़ हो सकता है। वर्तमान UPSC के अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं संवैधानिक निकाय क्या है। तो जिन निकायों का गठन स्वयं भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय के रूप में माना जाता है। अच्छा, इन निकायों के लिए क्या होगा जी, इन निकायों के लिए संविधान में
जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है वह देश की कानून व्यवस्था की देखभाल करना है। संवैधानिक निकायों के जो उदाहरण हैं वह भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग। अच्छा, ये संवैधानिक निकायों के जो उदाहरण आप देख पा रहे हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन या फिर आपका इलेक्शन कमीशन, ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकायों की जो शक्तियाँ हैं वो भारतीय संविधान से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान में इनके बारे में लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद इनको दिया गया है, वे संवैधानिक निकाय कहते हैं। जिनको संविधान में अनुच्छेद नहीं दिया जाता है वो कैसे हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बताया जाएगा, ठीक है, पर इनके बारे में संविधान में एक्चुअल में लिखा होगा। अगर पहले नहीं लिखा है और कोई ऐसा नया संवैधानिक निकाय बनता है तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। संविधान संशोधन का अनुच्छेद आपको हमें बताना है कमेंट में लिख करके, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ये सभी आपको हमको कमेंट में बताना रहेगा। संवैधानिक निकायों से संबंधित किसी भी शक्ति या कार्यों के बदलाव के लिए अक्सर क्या किए जाते हैं, वह भी मैंने आपको बताया, संविधान संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। देखिए, जो यहाँ पे करंट अफेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताने का कोशिश हमारा नहीं है, हमारा ये कोशिश है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके काम की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तुरंत उसको निकाल करके देखा करिए। ये डेली एक टास्क जैसे आप मान के चलिए। यहाँ पे करंट अफेयर में एक मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, अगला क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आपको मुझे बताना नहीं है। अगर आपको बताना भी है तो उसको लिखिए आंसर, और खुद फिर अगर किसी आपके पास ऐसा कोई सोर्स होगा जहाँ पर उसको आप चेक कर सकते हैं। कुछ दिन बाद हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम शायद हम चालू भी कर दें कि आपके आंसर्स हम देख पाएँ और उसको बता पाएँ कि आपको सही है गलत है, ठीक है। फिलहाल आपके लिए एक काम है, गैर संवैधानिक निकाय क्या हैं और वे कौन कौन से होते हैं, इसका आप एक आंसर रेडी करके अपने पास रख लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको संवैधानिक निकाय के बारे में भी बताया, उसका भी एक आंसर रेडी करके रख लीजिएगा। समझ में आ गई बात, इन दोनों में अंतर भी आप लिख सकते हैं। ऐसे करके इकट्ठा किए जाते हैं मेंस के सवाल। ऐसा नहीं है कि आप सीधे कोई बुक उठाए वहाँ से देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, जितनी चीज़ें आई हुई हैं उसी को पढ़ रहे हैं। नई चीज़ें न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये हम आपको रेगुलर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई विचारधारा के साथ हम आए हैं। यहाँ सिर्फ आपको फैक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको ये कह रहा हूँ, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे फैक्ट प्रोवाइड। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स भी हैं और बहुत सारे मीडियम्स आपको आगे मिल जाएंगे। यहाँ हमारी जो कोशिश है आपको न्यूज़पेपर से उठा करके अपने CGPSC कंप्लीट CGPSC यानी सिर्फ प्रीलिम्स नहीं मेंस के साथ में आप उस कंटेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक कंटेंट कौन सा है, इसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय की सूची है आपके पास। देखिए, निकाय में यहाँ पे है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये संवैधानिक निकाय है। कौन से हैं ये? संवैधानिक है, ठीक है। और यह जो सूची है ये गैर संवैधानिक है। किसकी सूची है ये? गैर संवैधानिक की सूची है। अगर संवैधानिक निकाय की सूची में आप एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे वो ये है कि सब पे की जगह क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद लिखा हुआ है। मतलब संविधान में इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। गैर संवैधानिक निकाय में कहीं पे भी अनुच्छेद नहीं लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि इनका संविधान में वर्णन नहीं है, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 इससे संबंधित है। ये एक संवैधानिक निकाय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा UPSC है, इससे संबंधित अनुच्छेद 315 से 323 है। पिछले बार के MPPSC के क्वेश्चन में प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया था कि संवैधानिक आई थिंक UPSC से रिलेटेड इनके वित्त से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आई थिंक 322 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 322 से संबंधित था उसका आंसर। इसके बाद राज्य लोकसभा आयोग का अनुच्छेद 315 से 323। आगे वित्त आयोग, यही फाइनेंस कमीशन है, 280 है। आप इसको पंचायती राज में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर में राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है। इसके बाद वस्तु और सेवा परिषद, ये कौन सा है? अगर आप देख पा रहे होंगे वस्तु और सेवा कर परिषद, मतलब GST परिषद की बात हो रही है। ये बाद में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। इसका संविधान कौन से नंबर का संशोधन किया गया था आप अपने में डिस्कस करिएगा। अगर डिस्कस कर लिए होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, 101 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 279A इसका आर्टिकल नंबर है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद, मतलब SC आयोग है,
इसका अनुच्छेद है 338 और एसटी आयोग जो है उसका आर्टिकल है 338A, 338B जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल है, और कैग की अगर बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक तो 148 इनका आर्टिकल नंबर है। वैसे ही अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, माफ़ करिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का अनुच्छेद देखेंगे तो वो है 76। ठीक है, आपको एक काम और करना है कि जो भारत का कैग होते हैं या फिर सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं और दूसरा उनके कार्य क्या क्या होते हैं, इसको भी आज को आपको देखना रहेगा। ठीक है, आपके पास जो भी मटेरियल है, बुक्स हैं, उन पर ओपन करिए, आराम से मिल जाएगा। ठीक, आगे, गैर सरकारी संस्था, गैर संवैधानिक संस्थाएं बहुत सारे हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बाद नीति आयोग है, फिर भारत का विधि आयोग है, फिर सीबीआई, इसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, खाद्य आयोग, और ऐसे ही बहुत सारे आयोग हैं, कुछ ग्रीन प्राधिकरण, ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, गैर संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गई बात, आपको अंतर लिखने बोलेगा, इन एग्जांपल्स को आप सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर है। ठीक, यहाँ पे शिवगढ़ है, पाथरी, मतलब हमारे बस्तर में शिवधाम है, पाथरी करके एक जिला है, वहाँ पे एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें जलहरी में माता पार्वती का मूर्ति है। ठीक है, 5वीं से 6वीं शताब्दी की ये प्रतिमाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये 5वीं से 6वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं, वैसे सोमेश्वर देव तो काफ़ी बाद में आए थे, पर उनके पहले की प्रतिमाएं हैं जिसको डेवलप किया गया था सोमेश्वर देव ने। ठीक, देखो 4वीं से 13वीं शताब्दी तक के शासन किए थे कौन, नागवंशी राजा ने, उसी समय का ये सोमेश्वर देव शासक थे, उनके आसपास का यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है शिवगढ़ में मूर्ति। बकावंड जिला बस्तर है, स्थान पाथरी गांव है, विशेष पार्वती माता की मूर्ति जो जलहरी पे खड़ी हुई है, ये मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद है टीले से जलहरी के मध्य खड़ी माता पार्वती की दुर्लभ प्रतिमा मिली है, बलुआ चट्टान से उकेरी गई थी 2003 में, पुरातत्व संग्रहालय में लाकर इनको संरक्षित किया गया है, देश की एकमात्र यह मूर्ति है, इसीलिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पाथरी के जंगल में कितने हैं, लगभग 21 टीले हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 9 टीलों की खुदाई हो पाई है, इसके आगे और खुदाई होगी तो ऐसे और शिव मूर्ति या फिर अन्य पुरातत्व चीज़ें मिलने के चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख पा रहे होंगे मयाली नेचर कैंप स्वदेश दर्शन योजना में शामिल कर लिया गया है। मदेशर पहाड़ कुछ साल पहले पीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन के तौर पर आ गया था प्रीलिम्स में। ठीक है, अच्छा, इसको याद करना है कि यहीं पे है मयाली नेचर कैंप और जसपुर ज़िले के कुनकुरी ब्लॉक में चरई डांड बगीचा स्टेट हाईवे के बीच में ग्राम मयाली है, जहाँ पे मदेसर पहाड़ी भी स्थित है। मदेसर पहाड़ी आपको दिख रहा होगा, ये दिखता ही शिवलिंग के जैसे है। ठीक है, मदेसर पहाड़ी का फोटो देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, अब दिखेगा, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मधेश्वर पहाड़ी का है और ये अपने आप में एक शिवलिंग के जैसे दिख रहा है, पहाड़ ही शिवलिंग बन चुका है, इसीलिए एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माने जाने वाला मधेश्वर पहाड़ के पास में यह मयाली नेचर कैंप स्थित है। इसको स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रारंभ इसका जो स्वदेश दर्शन योजना है इसका प्रारंभ किया गया था 2014 और 2015, अगेन मेन्स का कुछ फैक्ट आ गया। इसके बाद देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना चालू किया गया था। समझ में आ गया, ये कुछ फैक्ट हैं डायरेक्ट याद करने के लिए हैं आपके करंट अफेयर का। आगे की स्लाइड में देखेंगे आज महातारी वंदन योजना का छठवा किस्त सबके अकाउंट में जाएगा, जो जो पात्र महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, और उसके साथ एक अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम। यदि अपने लोग कोई युवा हैं जिनकी माता जिंदा है या फिर नहीं है वो अपने माता के नाम पर, और बाकी लोग चाहें तो छत्तीसगढ़ महातारी के नाम पर एक पेड़ लगा सकते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा पहल है। महातारी वंदन योजना, आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो विवाहित महिलाएं हैं जिनको 1 जनवरी को 21 वर्ष हो चुका था, अगर वो इनकम टैक्स या उनके परिवार में कोई इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी पात्र महिलाओं को, चाहे वो शादीशुदा हैं, शादीशुदा होने के बाद वो या तो सुहागन हैं या फिर विधवा हैं या फिर पति त्यक्ता हैं या फिर तलाक हो चुका है, इन सब के आधार पर उनका फॉर्म जाएगा। अगर उनका फॉर्म सेलेक्ट होता है तो मार्च से उनको क्या मिलना प्रारंभ हो चुका है, प्रति महीने 1,000 रुपये उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसका उपयोग करके वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, और यह आर्थिक सशक्तिकरण हर तरह के सशक्तिकरण को लीड कर रहा है, चाहे वो सामाजिक सशक्तिकरण हो या फिर उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो या फिर धार्मिक सशक्तिकरण हो। अब इसमें धार्मिक सशक्तिकरण कैसे होगा, तो अभी चंदा मांगने आएंगे वो उसी 1,000 से पैसे अगर दे सकती हैं तो धर्म के काम में भी वो क्या कर रही हैं, सहभागी बन रही हैं। सामाजिक सशक्तिकरण, किसी के घर में कोई बच्चा हुआ, छठी
मरनी, इन सब में अगर वो अपने हाथ से पैसे दे पा रही हैं, किसी पुरुष पर उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, तो ये एक सामाजिक सशक्त महिला की निशानी है। आर्थिक सशक्तिकरण तो आपको समझ में आ रहा है, पैसे मिल रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। इसके बाद महिला खुद में भी डिपेंडेंट बन रही है। अगर महिला को 1 रुपये की टिकली भी लेनी है तो पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, वो उस पैसे से अपने लिए सीधे ले सकती हैं, किसी से पैसा उनको मांगना नहीं पड़ रहा है। ये सम्मान है उन सभी महिलाओं के लिए जिनको आज तक उनके सहयोग को उपेक्षित किया गया है, ठीक है, उनके सहयोग की उपेक्षा की गई है। उनको सीधे सीधे 1,000 रुपये मिल रहे हैं कि आप कुछ तो कर रही हैं, वैसे तो कर बहुत रही हैं, 1,000 रुपया किसी भी हिसाब से जस्टिफाई नहीं है, पर एटलीस्ट 1,000 मिल रहा है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपके आसपास किसी ऐसी महिला को मिल रहा है 1,000 रुपये जो उनके काम के लिए है, फिर भी किसी भी तरह से असंगति से वह 1,000 रुपये उनके घर के पुरुष या किसी और काम में ज़बरदस्ती उनसे लेकर के खर्च किया जा रहा है, तो इसके लिए जागरूक बनो। उनके पैसे को कोई उनके ऐसे पति या परिवार के लोग जो निकाल के खर्च कर देते हैं वो निकाल ना पाए। अगर निकालना है तो आप उनकी मदद कर दो और सीधे उनके हाथ में 1,000 दे दो अकाउंट से निकाल करके। ऐसी मदद अगर आप करते हैं तो सरकार का ये जो प्रयास है इसमें आप भागीदार बन सकते हैं। फ्यूचर में आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं। इस तरह की खुद की नैतिक जिम्मेदारी को निभाना सीखिए, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, यदि आपके घर में महतारी वंदन योजना के तहत कोई लाभार्थी हो रहे हैं और वो आज पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको प्रेरित करिए, ठीक है। बाकी ये जो न्यूज़ है ये आपके मेंस में आप उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया था। समझ में आ गई बात। ऐसे ही करंट अफेयर से चीज़ें को उठा करके अपने पढ़ाई में यूज़ किया जाता है। इस सीरीज़ को हम और लेके आते रहेंगे। अभी आपको लेकर के चलते हैं एक राम जानकी मंदिर में। कहाँ पे स्थित है? तो कवर्धा के पास में सरसपुर लोहारा में स्थित ये राम जानकी मंदिर है। छत्तीसगढ़ के कल्चरल डिपार्टमेंट का ये एक वीडियो हम आपको शो करना चाहते हैं। अगर आप कवर्धा के आसपास हैं या फिर प्लान बना रहे हैं चिल्फी घाटी घूमने जाने का या भोरम मंदिर घूमने जाने का, तो डेफिनेटली इस प्राचीन मंदिर सरसपुर लोहारा के राम जानकी मंदिर में जाइए और दर्शन करके आइए छत्तीसगढ़ की भव्य विरासत का, ठीक है। शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए, और फिर हम कल मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आप सभी को थैंक यू।